नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक खास मेहमान को लाए हैं और उनका नाम है देवराज पांडे। ये उत्तर प्रदेश जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर के उपाध्यक्ष हैं और आप यकीन नहीं करेंगे, जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विकास हुआ, कांग्रेस बड़ी हुई, उसमें देवराज पांडे जी का बेहद अहम योगदान है। तो सबसे पहले हम देवराज पांडे जी के पॉलिटिकल करियर के बाद जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे उनके बारे में संक्षिप्त में पूछ लेते हैं। देवराज पांडे जी, आप मुंबई पधारे हैं और आपने मेट्रो मुंबई के चैनल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले तो आप हमें अपना संक्षिप्त में वर्णन दीजिए और मुंबई आने का पर्पस बताइए। सर, मैं देवराज पांडे, हमारा नाम है और मैं बक्सा ब्लॉक में सिकरा गाँव का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ एक शिक्षक के रूप में सीताराम क्रांतिकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय महनपुर नवादा में अध्यापक रहा, वहाँ से रिटायर हो गया। और इसके बाद में मैं जनता पार्टी में, जब इंदिरा जी के पार्टी से विलुप्त हो गई थी तो उस समय जनता दल बना था, उसमें इंदिरा जी की गिरफ्तारी में मैं जो है 11 दिन जो है जेल में बंद रहा, सत्याग्रह के रूप में बंद रहा। वहीं से मेरी कांग्रेस की एक सफर चलती है और मैं तब से लगा हूँ और आज दिन तक मैं कांग्रेस में बराबर काम कर रहा हूँ। चलिए, और बम्बई शहर में मैं आया हूँ, मैं जो है डॉक्टर निर्मल जी का के जैन जी जो डॉक्टर हमारे हैं, इन्होंने हमारा हार्ट में रिंग जो है 10 में डाला था, उसी परीक्षण के लिए मैं आया हूँ और अपने भतीजे अनिल कुमार पांडे भांडुप में मैं और लोग परिवार के लोग हैं यहाँ पे रह करके जो है अपनी दवा इलाज कर रहा हूँ। पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको, पूरे महाराष्ट्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अथक प्रयास करके भगवान गणेश जी की स्थापना करके, अतः मेहनत करके, उनकी पूजा अर्चना करके कल आप लोगों ने विसर्जन का कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसका संदेश पूरी एशिया में गया है और सारे लोग भगवान गणेश की तरफ उन्मुख हुए हैं। गणेश भगवान इस महाराष्ट्र को और समृद्ध बनाएं, आगे बढ़ाएं, हमारी शुभकामना, सह धन्यवाद। चलिए, तो देवराज जी, ये तो आपने अपने बारे में पूरा डेफिनेशन दे दिया, लेकिन अब हम आपसे कुछ पॉलिटिकल चर्चा करना चाहेंगे। सर, आज 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश में खराब है और ये बात किसी से छिपी नहीं है और इसके लिए विपक्ष आरोप लगाता है आपके परिवारवाद की राजनीति की, और कई नेताओं ने परिवारवाद से और आंतरिक कलह से परेशान होकर पार्टी छोड़ी है। मैं कितनों के नाम गिनाऊं, लेकिन कुछ बड़े नेताओं के नाम गिना देता हूं आपको। कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद और आपके रीता बहुगुणा जोशी, उत्तर प्रदेश के भी ऐसे कई नेता है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। ऐसी बड़ी लिस्ट है, जुबान पर उतने नाम नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप तो हमसे जानते ज्यादा ही जानते होंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। आप 44 साल से इस संगठन से जुड़े हुए, क्या बदलाव आ गया है देवराज जी? क्या आज पार्टी को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और क्या परिवारवाद कांग्रेस पार्टी को खा रहा है? साफ साफ जवाब दीजिए देवराज जी। देखिए, किसी बात को कह करके निकल जाना, किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल देना, यह एक व्यक्ति का गुण होता है। नेहरू परिवार का बलिदान भारत से छिपा नहीं है। नेहरू विद्यार्थी जीवन में पेरिस में उनका कपड़ा धोया जाता था और पेरिस में पढ़ाई करते थे। उस समय आज़ादी की लड़ाई में जितना बड़ा योगदान इस परिवार का है, इसे भारत कभी भूल नहीं सकता, न तो इसका कर्जा कोई अदा कर सकता है। उस परिवार में पैदा हुई स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का मैं नाम आपके सामने लेने में रोमांच भर जाता है कि भुवनेश्वर में उन्होंने कहा कि मुझे लोग मारने की धमकी देते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं हत्या करने के लिए चेतावनी देते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे मारा गया तो मेरे खून का एक एक बूंद और मांस का एक एक टुकड़ा भारत को मजबूती देगा। मैं जिस परिवारवाद की बात करने की बात कर रहे हैं, उस परिवार का मैं वजन का मूल्यांकन कर रहा हूँ। ठीक है देवराज जी, आपके बातों से सहमत है, आप पास्ट में बता रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो लीडरशिप है पार्टी की, उस बारे में बताइए। सर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, आप पिछले कई सालों से अध्यक्ष तक नहीं चेंज कर पाए हैं, ये विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं। आप एक ही परिवार में घूम फिर रहे हैं
और जो नॉर्मल आप जैसे कार्यकर्ता है जो 44 साल से संगठन के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक की नसों से वाकिफ है, लेकिन पैराशूट लैंडिंग होती है एक परिवार के एक सदस्य की, उन्हें वापस उस कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, क्या यह तो कारण नहीं है सर आपके पार्टी का जो डाउनफॉल हो रहा है 2014 से, और लगभग कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और आप लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते हुए नजर आ रहे देवराज जी, और इनसे कुछ सीख नहीं रहे आप लोग, और शायद कांग्रेस पार्टी इस वजह से दिन ब दिन कमजोर होती हुई नजर आ रही है। देवराज जी आप इस बात से सहमत है कि नहीं सर? देखिए परिवार बात कह करके मैंने कहा कि निकल जाना एक अलग बात है, लेकिन नेहरू परिवार जो है वह एक कांग्रेस है और कांग्रेस ही नेहरू परिवार है, मेरा अपना मानना है। और प्रेजेंट लीडरशिप सर, प्रेजेंट लीडरशिप पे क्या कहेंगे आप? प्रेजेंट लीडरशिप में अभी संगठन के बारे में सब चुनाव हुए हैं, ब्लॉक स्तर से न्याय पंचायत स्तर से चुनाव होकर के हमारे जिला से PCC तक का चुनाव का एरिया चल रहा है। आने वाले समय में बड़े नेता हमारा मन विश्वास है कि वो तुरंत कोई निर्णय लेंगे और अच्छा निर्णय लेंगे। जो नॉन गांधी कोई अध्यक्ष बनेगा पार्टी का, जनता को और आपके पार्टी कार्यकर्ताओं को आप विश्वास दिला सकते हैं कि परिवार को छोड़कर एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी? देवराज जी ऐसा हो सकता है क्या? देखिए इसके लिए सीधा उदाहरण है कि जिस समय सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री पद के लिए पूरी तैयारी हो गई, राज्याभिषेक हो गया उनका और सुबह उनको शपथ लेना था, उसी समय साध्वी और सुषमा स्वराज और तमाम महिलाओं ने, उन्होंने कहा कि यह विदेशी महिला है और इस विदेशी महिला के राज्याभिषेक होने पर हमारे देश को खतरा है, अगर इनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो मैं मुड़वा लूँगी। नारी समाज का मूड मुड़वा लेना यह बहुत ही अशोभनीय है। सोनिया गांधी ने इस बात को कहा कि बहन जी मूड तो हमें मुड़वाना चाहिए कि मैं विधवा हूँ, इतना सुंदर पति मेरा भारत की बलबेदी पर जो है चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, अगर मेरे पद पाने के बाद में आपको इतनी बड़ी तकलीफ है तो मैं इस पद को नहीं ग्रहण करूंगा। उन्होंने उस पद को छोड़ करके जो है मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। इससे बड़ा उदाहरण लालच और फल के लिए और मैं क्या दे सकता हूं? जी बिल्कुल देवराज जी। तो देवराज जी आप जिस राज्य से आते हैं उत्तर प्रदेश, अब वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है इसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते। आज उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि इतनी सीटें नहीं है कि विधान परिषद में एक विधायक को चुनकर भेजा जा सके, क्योंकि MLA जो जीते हुए MLA आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, उनकी ही संख्या के आधार पर विधान परिषद में MLA बनते हैं। तो लेकिन कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 MLA आए चुनकर 2022 के चुनाव में। ऐसी स्थिति क्यों देवराज जी, जहां से आप लोगों ने 14 प्रधानमंत्री दिए हैं, नेहरू गांधी परिवार पूरा लगभग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है, अमेठी सीट गवा बैठे है, और आने वाले दिनों में क्या और कांग्रेस को खोने के लिए कुछ बचा है भी है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में 30-32 साल हो गए बिल्कुल वहां पे संगठन खत्म होते जा रहा है, आप जैसे लोग आज भी जुड़े हुए हैं पार्टी से, लेकिन जो करिश्मा चाहिए नेशनल पार्टी को वो करिश्मा आप लोगों का नजर नहीं आता है। और भारत की राजनीति में कहा जाता है साहब दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, अगर आप उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है देवराज जी तो आप दिल्ली के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही तो यह है कि उत्तर प्रदेश में आप जान लीजिए कि जात बिरादरी वहाँ बहुत हावी हो गई है, और ये भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या उसी में पड़ता है, तो ये जान लीजिए धार्मिक भावनाओं का उन्माद पैदा करके जनता के रूप को इन्होंने मोड़ जरूर लिया है। मैं इसको मानता हूँ और ये भी मैं मानता हूँ कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस की बुनियाद इतनी गहराई में डाली थी, अगर हम लोग उसकी फिरौती सही ढंग से किए होते तो शायद ये गलती न होती। देवराज जी सीधा एक सवाल, भाजपा हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करती है और खुल के कहती है हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन आप लोग को एक विचारधारा पकड़ ही नहीं पा रहे, चाहे आप बोलिए हम मुस्लिम परस्त पार्टी है, हिंदू परस्त पार्टी है, सिख परस्त पार्टी है, या क्रिश्चियन परस्त पार्टी है, जो भी परस्त पार्टी है सीधा बोलिए साहब। बीजेपी सीधा साफ कह रही है कि हम हिंदू परस्त पार्टी और उसके नाम पर उसे वोट भी मिल रहा है और सीटें बढ़ रही है हर राज्य में, कम से कम 17-18 राज्यों में सरकारें बना ली है साहब। तो आप लोग कहीं विचारधारा को लेकर कंफ्यूजन में है, या तो कांग्रेस की मुस्लिम छवि वाली पार्टी बनाने में बीजेपी सफल हो गई है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है ऐसी छवि तैयार करने में बीजेपी को सफलता हासिल हो गई है देवराज जी, और आप लोग विफल हो गए
कि बीजेपी धर्म और जातियों के नाम पर बांट के राजनीति कर रही है और सत्ता हासिल कर रही है, इसको आप लोग एक्सपोज नहीं कर पा रहे। हालांकि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इससे क्या फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देवराज जी, इस राजनीति का काट क्या है कांग्रेस के पास, बीजेपी को कैसे रोकेंगे? क्योंकि फिलहाल बीजेपी के सामने कांग्रेस कुछ नजर नहीं आ रही है, वास्तविक स्थिति यह है। भले आप लोग अपनी पार्टी की जुड़े हुए लोग हैं, आप अपनी पार्टी को मजबूत बताएंगे, लेकिन जनता जान रही है कि कांग्रेस की स्थिति आज के टाइम में क्या है भारतीय राजनीति में। जहां तक आप कांग्रेस की स्थिति की सवाल है आप कह रहे हैं, मैंने जनता पार्टी का उस समय सन 78 और 780 में जो देखा है, आज तो कांग्रेस का लोग नाम ले रहे हैं, कांग्रेस के लिए यात्रा निकल रही है, कांग्रेस की बात, और उस समय कांग्रेस का नाम ही नहीं लेना जो है गुनाह था। मैंने ऐसी हवा को देखा है, और चार दिन के बाद जब जनता ने जनता पार्टी को सब सही ढंग से देख लिया, तो उन लोगों ने नारा लगाया कि आधा रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, और इंदिरा जी आ गई। तो आप ये जान लीजिए कि जो ये लोग कह रहे हैं, अब ये मुस्लिम पार्टी जाते हैं मुसलमान में कहीं, ये देखिए अभी झंडा लेकर के घूम रहे हैं, यही झंडा गांधी जी का झंडा, गांधी जी का हत्यारा, खुद कांग्रेस के उल का झंडा लेकर के घूम रहा है, कोई छिपा नहीं है किसी से। और आज भी कहीं जो छीटा और दागी लगी हुई उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए लानत की बात होगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि कांग्रेस का, कांग्रेस की विचारधारा समाजवादी लोकतांत्रिक विचारधारा है, सब धर्म का स्वागत है, सर्व जातियों का सम्मान है। हाँ, देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देंगे, यदि अभी हाथी के झंडा लगा करके जाए तो ये होगा कोई शेड्यूल कास्ट का होगा, साइकिल का झंडा लगा के जाए तो ये होगा कोई बैकवर्ड होगा, कमल का फूल का झंडा लगा के जाए तो ये होगा कोई फॉरवर्ड जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का झंडा लगा रहेगा इसमें सिख बैठा है कि ईसाई बैठा है कि मुसलमान बैठा है कि हिंदू बैठा है कि ब्राह्मण बैठा है कि क्षत्रिय बैठा है हरिजन बैठा है, ऐसा कोई भी आदमी आंख नहीं सकता। ये सर्व दल सब जातियों का दल है, सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है, सबका देश है, सब लोग मिलजुल करके प्यार मोहब्बत इकलाल से इस पार्टी को चलाते हैं, यही इसका नारा है, यही इसका विचारधारा है। चलिए देवराज जी, उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर भी थोड़ा सवाल पूछना चाहूंगा सर। मायावती से सपोर्ट मिला बीजेपी को, क्योंकि जो ताकत से चुनाव लड़ने चाहिए थे मायावती ने उस तरह लड़ा नहीं। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यही बोल रहे हैं कि मायावती ने कहीं ना कहीं आउटर तरीके से उन्हें सपोर्ट किया, भारी समर्थन मिला, और इस वजह से प्रचंड सीटें बीजेपी को दूसरी बार बहुमत के तौर पर मिल गई। लेकिन देवराज जी, आप लोग कहां फेल हो रहे? समाजवादी के साथ आप 2017 में गठबंधन में थे, 2022 में आपके साथ समाजवादी गठबंधन करने को तैयार नहीं है, तो आप लोग को लायक नहीं समझता विपक्षी दल के कांग्रेस को साथ में लेकर? हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हम बीजेपी को रोक सकेंगे, लेकिन आपको अलग छोड़ दिया गया। मायावती के साथ राहुल गांधी जी ने खूब ट्राई किया था, गठबंधन करिए, सीएम आप बनिए, अखिलेश यादव ने आपको दूर कर दिया, तो कांग्रेस को कोई विपक्षी दल साथ में भी नहीं लेना चाह रहा है देवराज जी, ऐसा क्यों सर? अरे ये तो एक हवा की बात होती है, ये समाजवादी दल और ये मायावती बहन जी सब लोग उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, और ये इनके पास इतनी गलतियां हैं कि आज अगर ये विरोध करना शुरू, आप देख रहे हैं राहुल गांधी के अलावा कोई देश में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उनकी नीतियों रीतियों का बुरा प्रभाव जहां देश में पड़ रहा है, राहुल जी के अलावा कोई कहीं बोल नहीं रहा है। ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनके पास खुद गलती है, और उस गलतियों को अभी भारतीय जनता पार्टी उजागर करके इनको जेल के सलाखों में भेज दी गई, इसी डर के नाते ही लोग बोल रहे हैं, और उन्हीं के कठपुतली जो ये कहेंगे वही ये करेंगे। कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगी, अपने सिद्धांत पर लड़ेगी, और भगवान ने चाहा तो एकदम समझ लीजिए कि चौंका देने वाला परिणाम 24 में आने ही वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो भगवान भरोसे है देवराज जी? नहीं नहीं, भगवान की इच्छा तो प्रबल होती है, हम तो वो भगवान को दिल से मानते हैं, ये भगवान को जो है मानने वाले लोग भी तो ऊँट मांग करके राज्य और गद्दी लेने वाले हैं, हम लोग तो भगवान को दिल से मांगते हैं, क्योंकि हमारे गांधी जी ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम सबको सम्मत दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये तो हमारा पुराना नारा है भाई। देवराज जी, और एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, राजनीति से ही पूछना चाहूंगा सर। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है इस देश में, ये आम आदमी हम तुम सब महसूस कर रहे हैं, इसमें हमें विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है या केंद्र सरकार क्या बोल रही है ये हमें नहीं सुनना है। महंगाई की आग है जो हम झेल रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं साहब,
1,000 रुपए का सिलेंडर है, 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल है, बेरोजगारी है, जो सैलरी कोरोना काल के पहले लोगों को मिल रही थी आज कोरोना काल के बाद काफी कम हो गई है। तो ये सब कुछ समस्या है और ये आम आदमी महसूस कर रहा है। लेकिन देवराज जी, फिर भी हम आपसे पूछेंगे, सर आप इन मुद्दों को नहीं बुरा पा रहे हो तो आप विपक्ष के तौर पर असफल विपक्ष है, और ये आपकी असफलता होगी कि बीजेपी अगर 2024 में ये सब मुद्दों को भी पीछे छोड़कर अगर हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीत जाएगी तो आप लोग एक आप असफल विपक्ष है। अगर आपकी 2-10-20 सीटें बढ़ भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10 साल मेहनत करने के बाद विपक्ष में रहने के बाद 10-20 सीटें बढ़ा ली तो इसमें आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। और 2024 में ही राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आप देखिए, जिन चीज पर आपने चिंता व्यक्त किया है वह हमारे मुखिया, हमारे प्रमुख नेता जो है राहुल गांधी जी, एक कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक एक यात्रा निकाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत जोड़ो। यह यात्रा 3500 किलोमीटर के लगभग है, जो कि 12 राज्यों को जोड़ते हुए जाएगी। तो उसका यही मेन मकसद है हमारे नेता का कि हम जनता के बीच में जाकर उनकी विचारों को सुनेंगे और हम जनता को संदेश देकर के जागरूक करेंगे कि जो महंगाई आप बताइए दूध पर, आप बताइए रोटी पर, आप बताइए सिलेंडर पर, आप बताइए सब्जी पर, अब सब्सिडी लग गई है, इससे ज़्यादा और क्या वो हो सकता है। और 1200 का सिलेंडर और इसके बाद में महंगाई चरम सीमा पर हो गई है, जनता में त्राह नाम मचा है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। जहां देखिए गुंडा बदमाश रात और रात में जो है सत्ता परिवर्तन करके रुपया दे करके सीट विधायक और सांसद खरीद के सरकार बनाया जा रहा है, इस प्रकार की जहां अराजकता आ गई, ये लोग जो राजनीतिक लोग हैं जुटे हैं सत्ता और कुर्सी के चक्कर में, इनको गरीबों को, किसानों को, इन सबको से क्या मतलब। अभी कुछ दिन पहले किसान को देखिए इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका जी खुद गई थी। तो इस प्रकार से हाहाकार जनता बौद्धिक है और सब राजीव गांधी ने कंप्यूटराइज भारत को जो छोड़ करके गए हैं उस कंप्यूटर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सारी चीज जनता समय समझ रही है। भगवान ने चाहा फिर मैंने कहा, फिर भगवान का मैं नाम ले रहा हूँ, अगर चाहा तो ईश्वर चाहेंगे तो 24 का परिणाम स्वयं बता देगा कि क्या है। चलिए देवराज जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा इंटरव्यू का, बहुत ही ईमानदारी से जवाब की अपेक्षा करता हूं मैं आपसे। 44 साल आपने संगठन को दिए, जो आपको मिलना चाहिए था वो पद मिला, न्याय हुआ आपके साथ, या आप भी कई अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरह खुद को उपेक्षित मानते हैं, पार्टी से जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो पद मिलना चाहिए था, टिकट मिलना चाहिए था वो मिला, या पार्टी ने पैसे वालों लोगों को ज्यादा प्रीफर किया? जैसे हर पार्टी में सभी दुखी है साहब, हर पार्टी में हम कई नेताओं से चर्चा करते हैं, विभिन्न पार्टियों के नेता बीजेपी में भी दुखी है, एनसीपी में, शिवसेना के, कांग्रेस के, तो वो कहते हैं साहब जिनके पास पैसा है उन्हें पार्टी आगे बढ़ाती है, और जो जमीनी स्तर पर काम करता है, सालों तक काम करता है पार्टी के लिए, लेकिन बस उनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से उनको सिर्फ पार्टी के छोटे मोटे पद दे दिए जाते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि संगठन को बड़ा करो, संगठन को बढ़ाओ, लेकिन कभी उनको जनप्रतिनिधि बनने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा कुछ समस्या से आप भी जूझ रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से बोलिए साहब। देखिए, अगर मैं झूठ क्या बोलूं, मेरा चैनल पर मेरा चेहरा लगभग लोग उत्तर प्रदेश के जो होंगे पहचानते होंगे और देख रहे होंगे, वो जानते हैं हमको। मैं जान लीजिए कि मैं सन 84 में बक्सा ब्लॉक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और साइकिल से पूरी ब्लॉक को ऑर्गेनाइज करता था। फिर मैं युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर, फिर इसके बाद में सेवा दल का इंचार्ज बना, बावर्दी, प्रांतीय, केंद्रीय, सब मैंने ट्रेनिंग लिया। और इसके बाद में फिर मैं जिला कांग्रेस कमेटी में संगठन मंत्री और महामंत्री और उपाध्यक्ष पद पर लगातार काम कर रहा हूँ। इस समय कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश में सचिव पर पद पर हूँ और वो पद हमको दे देते, लेकिन आप भरोसा रखिए कि मैं जब से चला हूँ अपने दल को, न तो किसी दूसरे दल की तरफ देखा और न किसी तरफ ताका, साइकिल लेकर के जनता के बीच में और अपनी पार्टी का संदेश
और गरीबों के बीच में न्याय की लड़ाई आज दिन तक मैं लड़ता रहा। मैं पद पोस्ट की तरफ घूम करके देखा नहीं और मिला भी नहीं, इसमें दोहरा नहीं, नहीं दिए, लेकिन संगठन में और जनता के बीच में आज भी हमारा सम्मान है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश के या पूरे देश की जनता को ही बता देना चाहता हूँ कि मुझे पद मिले या न मिले, लेकिन मैं कांग्रेस में हर समय लगा रहूँगा और मेरी अंतिम सांस के बाद मेरी लाश तिरंगा झंडा और पंजे में श्मशान घाट पे जाएगी, यहाँ तक मेरा नारा है। वैसे पद नहीं मिला और न मिले इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं दर्द लेकिन साहब मैं रोकना चाहता हूँ, आपका दर्द आप बयां कर रहे हैं या अपने संगठन के प्रति अपनी वफादारी बता रहे, ये दो बातें हो सकती है आपके बातों से निकल के आ रही है जो। लेकिन एक और बात है, इसी सवाल का आगे का सवाल है सर, हर इंसान की राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, मैं पार्षद बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, मैं मंत्री बनूं, आप क्या सिर्फ संगठन को बढ़ाने और संगठन की सेवा करने के लिए आए, खुद की निजी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है आपके लिए, साफ 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 बताइए। देखिए, व्यक्ति जो है भगवान नहीं होता, उसके अंदर महत्वाकांक्षी तो स्वाभाविक है, लेकिन इस समय इस चुनाव परिणाम आने के बाद हमारा केंद्र नेतृत्व जो है बौखलाया हुआ है और धड़ाधड़ निर्णय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को तुरंत हटाया, वहाँ के प्रभारी बाजीराव खांडे को भी हटा दिया, और एक ही जर्जर ईमानदारी कर्मठ जो कि जमीनी नेता हम लोगों के बीच में राजेश त्रिपाठी जी हमारे यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं। तो विशेष करके हम पूर्वांचल के लोग जो बुजुर्ग टाइप के हैं, जो सीनियर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जिनके हक के साथ नाइंसाफी हुई है, उन लोगों पर भरोसा है कि यह नेता ऐसा ईमानदार नेता है कि हम लोग के बीच में आया है तो निश्चित ही आने वाले समय में सम्मान मिलेगा। इस भरोसे के साथ हम लोग पुनः ऊर्जा को लेकर के पार्टी की तरफ से काम करने के लिए लग गए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवराज पांडे जी, जिन्होंने बड़ी ही निडरता से बिना किसी घुमा कर टालमोल कर सीधे उत्तर दिया हर सवाल का, किसी सवाल से वो बचे नहीं। उन्होंने जो वास्तविक स्थिति है कांग्रेस की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में, देश में, उसको लेकर उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, निडरता से जवाब दिया। उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि जमीनी स्तर के नेताओं को चांस देना चाहिए और वो भी अपेक्षा करते हैं जो उनके नए प्रभारी बने हैं त्रिपाठी जी से, और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में उन्हें न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पांडे जी जैसे जमीनी स्तर के नेता, जनता के बीच में रहने वाले, साइकिल से प्रचार करने वाले नेताओं को पार्टी पर ध्यान देना चाहिए और उन नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि पैसे के दम पर टिकट खरीदने वाले को, हवा हवाई नेताओं को, पैराशूट लैंडिंग करने वाले नेताओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसके वजह से आपके पार्टी में तो फंड आ जाएगा लेकिन पार्टी जरूर कमजोर होगी, क्योंकि जनसंपर्क नहीं है ऐसे नेताओं का, और हमारे देवरांश जी जैसे लोगों को जरूर पार्टी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और पार्टी की असली मेन विचारधारा, पॉलिसीज और जो भी विचार है ये लोग पहुंचाते हैं, तो ये माध्यम है, ऐसे लोगों पर पार्टी को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए हमारे इस खास सेक्शन में बस इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।